डिमिनो यहाँ पर रहेंगे अब थर्ड पार्टी के टीम गॉड लाइक वो एक्शन में आएगी। जोनाथन यहाँ पे कनेक्शन बनाएंगे, ट्रायल्स को करेंगे डाउन और देख सकते हैं कि थर्ड पार्टी का आगाज यहाँ पर हुआ जरूर से। जोनाथन धीरे धीरे अग्रेस करेंगे और वसिस्ता के एमजे को भी यहाँ पे लगातार डैमेज देने का प्रयास, वो ग्रेनेड थ्रो करते हुए लेकिन सिम इसी दौरान दूसरा कनेक्शन बनाते हुए। लेकिन इतना मैं बस कहूंगा कि टीम गॉड लाइक को पीडब्ल्यूओबी के बारे में पता है लेकिन एमजे के बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं है। तो एक तरीके से कह सकते हैं जो नींव रखी थी, जो एक तरीके से पूरा बेस सेट करके रखा था एमजे ने, उनको लगा था और हमें लगा था कि शायद अगर थर्ड पार्टी नहीं होती तो कहीं ना कहीं, लेकिन एमजे उनको भी समाप्त किया जाएगा और एक सक्सेसफुल थर्ड पार्टी को अंजाम दिया गया। और सोचिए पांचों के पांचों फ्रैक्स, जी हाँ, टीम गॉड लाइक के फेवर में यहाँ पर करते नजर। मेरे ख्याल से एक अच्छी शायद देखो या फिर कैरी कोई कोई नॉकआउट हो सकता है, बट क्या उनको अंदाजा नहीं कि उनके जस्ट बगल वाले कंपाउंड में एक टीम विराजमान है? अगर आप इतने ओपन से जाएंगे तो मेरे ख्याल से काफी नुकसान, और अभी के लिए नुकसान टीम एंटिटी गेमिंग को भी उठाना पड़ रहा है। जी हाँ, टीम आरू के प्ले जरूर तैयार करें लेकिन अब जाकर जोनाथन का वो ग्रेड जाएगा और अब मुझे लग रहा है टीम वॉकआउट बहुत ज्यादा परेशानी अब आपको फेस करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ से मोनोटॉप का भी प्रेशर बिल्ड करता नजर आएगा। और जी हाँ, मोनोटॉप की वजह से रिको का वो कनेक्शन बना है सात फ्रैक के साथ, टीम गॉड लाइक अभी के लिए इस स्थिति में काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड रखने बैठी हुई है। देखिए वॉकआउट, लेकिन बिल्कुल वो कंफर्मेशन वो आ नहीं पाएगा, उससे पहले ब्लू जोन से वो खुद एलिमिनेट होते हुए नजर आएंगे। सो बेसिकली 11 फिनिशेस, लेकिन फियरलेस के ट्रॉय गेम्स जो ये अभी तक यहाँ पे सरवाइव कर रहे थे और ये एक ऐसा मैच है, पहला मैच है फियरलेस के लिए जहाँ पर उन्होंने टॉप 3 तक सर्वाइव किया, लेकिन ये पूरा गॉड लाइक का मैच है। एआर के मात्र 2 प्लेयर्स अब यहाँ पर बचे हुए, सर्कल के बाहर भी जाकर प्लेयर्स यहाँ पर तलाश में। एडविनो मीनवाइल एक और कनेक्शन बनाते हुए जोनाथन अक्रॉस द स्मोक यहाँ पे, देखिए प्लेयर्स को ढूंढा जा रहा है, इन्हें पता है कि टीम जो है वो सर्कल के बाहर है। गेंजो जी ट्राई करा जाएगा और मुझे लगा थ्रोबॉल के चलते बाहर भी निकाला जाएगा। तो चलिए कप्तान भी बोलते हैं मैं भी पीछे क्यों रहूं, मैं भी अपने थ्रोबॉल के चलते निकाल सकता हूं और ये चिकन डिनर गाइस जाएगा टीम गॉड लाइक की स्पोर्ट्स की झोली पे और काफी अच्छा कह सकते हैं यहाँ से अंक निकाले।